नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। किशोर कुमार जी हिंदी सिनेमा जगत के एक हरफन मौला कलाकार थे, क्योंकि किशोरदा महानतम गायक तो थे ही साथ एक महान अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार इत्यादि भी थे। आपका जवाब नहीं है, अल्लाह की कसम, आराधना ने क्या काम किया, मैं आपके पांव पड़ता हूं। रूप तेरा मस्ताना झरपट जाए मेरे सपनों की रानी। कौन हो तुम मुन्ना? के फान बनारस वाले सामने वाली खिड़की अपनी को जैसे तैसे। तुम्हारे माँ बाप हैं? क्यों रे भालू के बच्चे, तेरे घर में माँ बहन नहीं है? मेरे जिंदगी के सफर में जीनियस किशोरदा ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिनको करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। आज हम उनके एक ऐसे ही कारनामे की दास्तां सुनाएंगे जिसे सुनकर आप लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। किशोरदा ने कई फिल्मों को निर्मित और निर्देशित तो किया ही था, साथ ही साथ फिल्म के गीत भी लिखे थे एवं संगीत भी दिया था तथा अभिनय भी किया था। ऐसे ही साल 1974 में एक फिल्म आई थी बढ़ती का नाम दाढ़ी, जिसको निर्मित और निर्देशित किया था किशोरदा ने एवं जिसमें स्वयं किशोर कुमार, अशोक कुमार, आईएस जौहर, भगवान दादा, सुंदर, मारुति राव परब इत्यादि प्रमुख भूमिकाओं में थे। फिल्म के संगीतकार थे किशोरदा तथा गीत किशोरदा और इरशाद ने मिलकर लिखे थे। फिल्म में कुल 8 गीत रखे गए थे जिन्हें किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, अमित कुमार, बप्पी लहरी, आशा भोसले, भूपिंदर सिंह इत्यादि ने गाया था। लेकिन हम जिस दुर्लभ गीत की बात कर रहे हैं उसे किशोरदा ने उस समय के सबसे बेहतरीन 4 अभिनेताओं से गवाया था और वैसा सिर्फ किशोरदा ही कर सकते थे। हम जिस गीत की बात कर रहे हैं उसके बोल हैं, हूँ कौन छू माने खबर न थी, जिसे किशोरदा ने लिखा और संगीतबद्ध किया था। दरअसल इस गीत में गुजराती और अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मस्ती भरे इस गीत को उस जमाने के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता आईएस जौहर, भगवान दादा, सुंदर और मारुति राव परब ने गाया था और यह गीत काफ़ी पसंद भी किया गया था। ये सभी अभिनेता होने के साथ साथ प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक, लेखक इत्यादि भी थे और उनसे उस जमाने में गीत गवाना बड़ी बात थी। दरअसल यह गीत इन्हीं 4 अभिनेताओं पर फिल्माया भी गया था, इसीलिए किशोरदा ने गीत को उन्हीं से गवाने का फैसला भी किया था। हालांकि शुरू में वे गीत गाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि हम लोग गायक नहीं हैं, इसलिए हम लोगों के लिए गीत गाना आसान नहीं होगा। लेकिन किशोरदा ने कहा कि आप लोग गीत गाने के लिए तैयार होइए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों से गीत कैसे गवाऊंगा, वह हमारी जिम्मेदारी है। किशोरदा के समझाने पर आईएस जौहर, भगवान दादा, सुंदर और मारुति राव गीत गाने के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद किशोरदा ने गीत को इतने सुंदर ढंग से संगीतबद्ध किया और गवाया एवं उन पर फिल्माया कि जिसने भी देखा आश्चर्यचकित रह गया। गीत गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी का मिश्रण है, फिर भी यह गीत फिल्म के सबसे पसंदीदा गीतों में से एक साबित हुआ था। आइए गीत के कुछ अंशों का आनंद लेते हैं। पल भर छे डर छे फिकर छे खबड़ो छे लबड़ो छे गमक छे के रमक छे रमक छे के बमक छे बमक छे के गमक छे खबड़ो छे बाप बाप बाबा
sheep. Have you any wool? Yes, sir, three bags full. One for my master, one for my dame, one for the little boy that lives in the land. Indian jail man, crazy girl, guys. बंद करो जल्दी से तुम एक रस्सा मंगाओ नी फांसी का फंदा मारा गला में फसाओ नी गेम 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 जिंदगी जो नून छे पट्टी पतलून छे मुगलो कार्टून छे कपड़ो छे लबड़ो छे गम्मत छे के रम्मत छे रम्मत छे के गम्मत छे गम्मत छे के गम्मक छे लबड़ो छे एक बंदूक वाला क्यों छे तुम लोग रिहा कर दिए गए पण क्यों असली चोर पकड़े गए तुम सब नकली चोर हो। वास्तव में किशोर दा ने गजब कमाल किया है। गीत को उन्होंने इतना अच्छा लिखा है, संगीतबद्ध किया है और उसका फिल्मांकन किया है कि देख और सुनकर आनंद आ गया। ऐसा सिर्फ किशोर दा ही कर सकते थे। गीत के बोल अधिकतर भले ही गुजराती और अंग्रेजी में है, लेकिन किशोर दा ने इतने सरल तरीके से लिखा है कि सभी लोगों को समझ में आ जाता है। यदि गीत का आनंद विस्तार से लेना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आनंद ले सकते हैं। मित्रों, आप लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से इच्छित मुद्राएं प्रदान करके हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। मित्रों, आप लोगों को यह गीत कैसा लगा, किशोरदा के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।